Yes. ढाक लेता और डालिया, ढाक लेता के डालिया जो उसको कैसे बोलेगा, जो फल कहाँ पर बनता है, सिर्फ डालिया में, ढाक लदा का क्या ढाक लदा का ये समझो कि ये ढाक लदा है, ये सब डालिया है, समझ में आया, सिर्फ डालिया में फल बनती है। प्रभु कहता है कि तुम सब मेरा डालियां है और प्रभु ढाक लदा, तो फल कहां पर बनेगा, डालिया में सिर्फ बनेगा। अच्छा, अभी आप लोग अभी जो प्रार्थना सभा चलाया तो कैसे लगा, पवित्र आत्मा का कुछ क्रियाशील अनुभव हुआ है क्या, अनुभव हुआ है? अभी फिर हम प्रार्थना कर और एक वर्कशॉप और प्रैक्टिस करना चाहिए, तो उसके लिए हम अभी पहले तैयार करेगा। प्रभु ने कहा सुसमाचार, सुसमाचार का घोषणा करो, लेकिन उसके साथ साथ और क्या होगा, चंगाई होगा, सबों को चंगाई करो। तो चंगाई का जरूरत क्या है, चंगाई का जरूरत यही है कि प्रभु ईसा के द्वारा ईश्वर का कृपा, कृपा, कृपा क्या है, कृपा क्या है, ईश्वरीय जीवन मानव का जीवन पर बरसता है, बरसता है, वही कृपा है। तो कृपा, ईश्वरीय जीवन एक इंसान पर पहुंचते वक्त वो इंसान पर जितना बुराइयां है वो सब हट जाएगा और उनका शरीर को, मन को, आत्मा को चंगाई मिलता है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन इस जहां के जिंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर तब से दिल मेरा मन मेरी काया। देखो तो चंगाई कहां पर होगा, तब से दिल आत्मा में, मन, मन में और काया शरीर पर, तब हमें महसूस हुआ कि प्रभु ईसा मसीह और प्रभु का, प्रभु क्रियाशील होते हुए हमारे जीवन पर काम कर रहा है। तो देखिए मत्ती के सुसमाचार में पहला चंगाई का एक दृष्टान देखिए, आठवां चैप्टर में अध्याय आठ, प्रभु पहाड़ी प्रवचन के बाद, पहाड़ी प्रवचन के बाद नीचे आ रहा था, ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह करते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने
हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्वास्थ्य किया, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। अभी हम लोग सुसमाचार प्रचार का काम में लगे हुए सब लोग ऐसा एक एक घटना को सुसमाचार में के से निकाल कर पढ़कर उसको गहराई में समझना चाहिए। अभी इस घटना को हम गहराई में कैसे समझेगा? पहली चीज है कि उस समय पर एक कोड़ी कभी भी बाहर आना नहीं चाहिए। वो एक जगह पर उनको उन लोगों को एक कैंप करके रखा है, वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाएगा तो उसको पत्थर मारेगा। लेकिन इस कोड़ी को ऐसे ही हृदय पर भरोसा हुआ कि ये प्रभु यीशु के पास जाएगा तो जरूर मुझे उसको चंगाई मिलेगा। कोड़ी ऐसा एक रोग है, कोई भी तरीका से चंगाई नहीं हो सकता था। लेकिन सो पहले चीज क्या है कि उसको विश्वास था। उसको कैसे विश्वास मिला होगा? शायद वो प्रभु यीशु का प्रवचन सुना होगा, ईश्वर का वाणी सुना होगा। तो ईश्वर का वाणी, प्रभु का वाणी उसको प्रभु की ओर खींच लिया। तो हम जब भी सुसमाचार का प्रचार करना है तो प्रभु यीशु का वाणी, प्रभु यीशु का वचन को घोषणा करना चाहिए। तीन अध्याय में प्रभु ने निरंतर पहाड़ का ऊपर से वचन दिया। तो शायद वो पहाड़ का नीचे ये कोड़ियों का घर था, वहाँ पर वो सुना होगा। और सुनते हुए उनको अच्छा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति को मिलना है, ये सचमुच ईश्वर है। वो सचमुच ईश्वर है करके उसको समझ में आया। इसीलिए उन्होंने आकर पहले क्या किया, देखिए, उन्होंने वो कोड़ी आया और उसने वह कहते हुए उन्हें दंडवत किया। एक आदमी दूसरे को दंडवत करता है, क्यों? किसको सामने दंडवत करेगा? क्या सोच के दंडवत किया? वो दंडवत किया इसलिए कि उनको विश्वास है कि ये तो ईश्वर है, ये प्रभु ईसा मसीह ईश्वर है करके उसको विश्वास आ गया, इसीलिए वो दंडवत किया है। उसके बाद उन्होंने कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसको पूरा उम्मीद है, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मतलब ये जो लेप्रसी कोड़ी कोई तरह से शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आप चाहे तो हो सकता है। तो प्रभु को उसका विश्वास का पूर्ण भरोसा हो गया और प्रभु तुरंत कहा, ईसा ने तीन कार्य किया। ईसा ने हाथ बढ़ाकर, वो चाहे तो, उनका मन में पूरा
प्रभु ईसा ने उसका मन में निश्चय कर दिया कि मैं इनको चंगा करूंगा। मन में बोला है चंगा होगा, लेकिन मन में बोला, मन में निश्चय किया वो एक बात, उसके बाद मुंह से कहा, क्या कहा, शुद्ध हो जाओ। और तीसरा बात क्या है, उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर, तो उस समय पर कोड़ी को कोई छुआ नहीं चाहिए, नहीं छूना चाहिए, लेकिन प्रभु ईसा ने उनका असीम प्यार के द्वारा उस कोड़ी के ऊपर हाथ बटाया। तो तीन कार्य किया है, तीन कार्य क्या क्या है, उन्होंने मन में निश्चय किया मैं इनको चंगा करूंगा, मन में हृदय पर प्रभु, उसके बाद वो मुंह से बोला चंगा हो जाओ। तीसरा बात, उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ। तो हम लोग भी किसी को हमारे प्रचार का काम पर घर घर में हम लोग जाएंगे, तो घर में हम कोई रोगियों को मिलेगा तो हम क्या करेगा, हम लोग सोचेगा अच्छा अच्छा ये तो मुझे नहीं हो गया तो फादर लोग के पास भेजना पड़ेगा, ऐसा बोलेगा क्या ना, आपको हाथ बढ़ा के प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा कि नहीं, क्या और यहां पर लिखा है उसी वक्त उसको चंगाई हो गया। तो ये पहले दृष्टांत ये है कि ये सचमुच हुआ है कि वो चंगाई हो गया। अभी इसके बाद दूसरे एक घटना है, एक 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 शतपति, शतपति की नौकर की चंगाई। ये शतपति प्रभु के पास आके कहा कि उनके नौकर मरने वाला है, तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे घर पर आके उनको चंगाई करूंगा। तो शतपति रोमी एक एक यहूदी नहीं है, जो गैर यहूदी का घर पर प्रभु यीशु जाना मना है। यहूदी लोग दूसरे लोगों का घर पर नहीं जाता है, वो मना है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा घर पर आऊंगा उनको चंगाई करने के लिए। तो प्रभु का हृदय सब लोगों के लिए खुला है, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सारा मानव के लिए खुला है। लेकिन उसी वक्त शतपति ने क्या कहा, हे प्रभु आप मेरा घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आप यहां से एक वचन बोलिए वहां पर मेरा नौकर चंगाई हो जाएगा। है प्रभु उसका विश्वास को बहुत खुशी से अपनाया और कहा देखो ऐसा विश्वास हमारा इसराइल में भी नहीं है, हमारे लोगों पर भी नहीं है। तो वही विश्वास क्या है, उसका विश्वास, वो क्या विश्वास किया, क्यों मैं ऐसा बोला, प्रभु तुम सिर्फ एक शब्द कहेगा तो वहां पर मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। अभी देखो ये कोड़ी को चंगाई करने के लिए प्रभु यीशु उनको हाथ बढ़ाकर चंगा किया, लेकिन यहां पर वो जो रोगी बहुत दूर में है, प्रभु यीशु उसके घर में जाने के लिए तैयार है, लेकिन शतपति ने कहा आप मेरा घर में आने का जरूरी नहीं है, आप यहां से एक शब्द कहेगा तो वहां पर मेरा नौकर चंगाई हो जाएगा। वो क्या विश्वास करते हुए वो शतपति ऐसा करने का मकसद क्या है, शतपति इसीलिए कहा कि
उनको भी ये विश्वास हुआ कि ये जो प्रभु यीशु भगवान है, ईश्वर है। वो ईश्वर होने के नाते ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर को यहां से उधर जाने का जरूरत नहीं है। जो ईश्वर अभी यहां खड़े हैं उसी वक्त ईश्वर वहां पर भी है। यही है यही था उसका विश्वास। तो हम लोग कभी भी चंगाई का प्रार्थना करते वक्त समझना चाहिए, जो रोगी है उसका अंदर ईश्वर है, और जो हम ईश्वर का घोषणा करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, हमारे भी अंदर ईश्वर है। ये हम हमेशा ख्याल ध्यान रखना चाहिए। मरकुस का सुसमाचार में, मरकुस का सुसमाचार में अध्याय 2, 4 लोग एक रोगी को उठा के लेके आया, 4 लोग मिलकर, 4 लोग। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2, जब कुछ दिन बाद ईसा कफरनाम लेटे तो वह खबर मिले फैल गई कि वो घर पर थे, और इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठावाकर उनके पास ले गया। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर के छत उन्होंने खोल दिया और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। अभी बोलिए, आप लोगों से एक प्रश्न पूछता है, ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, क्या कहा ईसा ने क्या कहा, बोलिए क्या कहा है? देखो, सबसे पहले ईश्वर क्या कहा, प्रभु क्या कहा है? बेटा, वो एक पापी है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? बेटा। यही है हमारा दिल होना चाहिए। हमारे जगह पर बहुत सारे पापियों में, सभी पापियों हैं, लेकिन प्रभु उनसे कहा बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गई है। तो हम लोग सुसमाचार प्रचार करते वक्त सब लोग हमारे पास जो आता है प्रार्थना करने के लिए, कुछ बुराई करने वाला है, लेकिन हम लोग उनको कैसे देखना चाहिए? बेटा बेटी, प्यार से, दया से, करुणा से देखना चाहिए, तभी चंगाई होगा। नहीं तो तुमको ऐसा होना चाहिए, तुम बहुत पापी है इसलिए तुमको ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार में मत्ती एक नाकेदार था, बहुत पापी था,
लेकिन प्रभु ईसा मसीह मत्ती के पास गया तो मत्ती का पुराना जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। बोला क्या? उड़ो, मेरे पीछे आओ, क्योंकि तुमको ईश्वर ने एक 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 अपोसल बनने के लिए सृष्टि किया है और तुम यहां बैठा है। उठ के आ जाओ। उसका उन्होंने बहुत बुरा काम करने वाला था, लेकिन प्रभु वो सब कुछ भी नहीं देगा। क्या हम लोग से हो सकता क्या है? ये हमसे हो सकता क्या? हम लोग सोचेगा दे इसके बारे में जरा पता करो वो कैसे आदमी है, इसके बारे में रिपोर्ट निकालो, इसके बारे में चार आदमी से पूछो, इसका बुराई क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये क्या क्या बुरा काम किया है। लेकिन प्रभु किसी का बुराई देखता नहीं है। तो सुसमाचार प्रचार करना चाहिए तो वह यीशु का मन, यीशु का दिल, यीशु का प्यार, वो करुणा सागर है, वो दयावान है, वो हमारे हृदय पर होना चाहिए। आज का सुसमाचार में, आज का पहला पाठ में क्या हम लोग परंतुओं का नाम दूसरा पत्र 5:19 19 कुरंतियों का नाम दूसरा पत्र 5:19 इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके 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 खर्च में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया। थोड़ा निकाल कर पढ़िए कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 5:19 में लिखा है, उन्होंने हमारा पाप को नहीं देखा। उसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके खिलाफ में नहीं लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार को मेल कराया। सुसमाचार का सुसमाचार मतलब है कि हम पापी ही होते हुए प्रभु हमें प्यार करता है। सब लोग पढ़िए 19वां वचन। ओके, जब मैं एक जगह पर एक घर में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गया, तब वो लोग हिंदू लोग था, तो मैं जाने वक्त मैं प्रभु से पूछा उधर जाके क्या बोलूं उसको, कैसे बातचीत चालू करेगा। मेरे पास कुछ प्रभु के बारे में लिखा हुआ पत्र वगैरह है, वो सब देगा, लेकिन कैसे चालू करेगा। प्रभु बोला कुछ पानी मांगो। प्रभु ने कहा मैं समारी स्त्री के पास जाकर उनसे बातचीत चालू करने के लिए क्या बोला, मुझे पानी पिलाइए। उधर कहीं पानी पिया क्या? पानी पिया नहीं देखा, लेकिन उनको ये बातचीत चालू करने के लिए उन्होंने पूछा मुझे पानी पिलाइए। मैं भी ऐसा पूछा एक हिंदू लोगों का घर पर जाके, तब उन लोग तो पानी देने के लिए बहुत खुश है ना हिंदू लोग, बैठिए बैठिए आप बैठिए, आप कहाँ से आया है? तो मैंने कहा मैं बॉम्बे से आया। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम
थॉमस, ओ आप क्रिश्चियन है क्या? हाँ क्रिश्चियन है, हाँ क्रिश्चियन है आप। वो क्राइस्ट के बारे में हम लोगों को कुछ बताएगा क्या? देखो देखो और क्या चाहिए। तो एक व्यक्ति, उसका बेटी पानी लेने के लिए अंदर गया, तब वो लोग उनके साथ, उन्होंने मुझे पूछा आप क्रिश्चियन हैं तो क्राइस्ट के बारे में, ईसा मसीह के बारे में कुछ बताएगा। हमें समझना चाहिए, हम लोग सुबह सीखा है, समस्त मानव ईसा मसीह के कृपा से, ईसा मसीह का शरीर पर है, ईसा मसीह को उनके साथ संबंध है। हमें मत सोचो सिर्फ ईसाइयों को है ईसा का अनुभव, अनुग्रह मिलता है, ऐसा नहीं। यानी कि हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जिसके पास जाता है, हम उधर पहुंचने के पहले पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु वहां पर काम कर रहा है, ये विश्वास होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि प्रभु उन लोगों पर है, उन लोगों को आशीष देने के लिए हमको भेजता है। ये घटना सचमुच उसके बाद समझ में आएगा। तो मैं बातचीत कर रहा था, तो मैं हमेशा यही कहता है कि ईसा मसीह सिर्फ ईसाइयों का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ईसा मसीह समस्त संसार के लिए आया है, हर मानव को उनसे आशीष मिलेगा। ये सब बात करते वक्त अंदर पर एक घर का बच्चा ऐसा रोने लगा। ये रोना उतना ऊंचे आ गया कि हम लोगों का बातचीत बराबर नहीं होता है। तो ये बोला, माफ करना भाई साहब, वो बच्चा बहुत बीमार है। अभी मुझे ऐसा लगा किसके लिए प्रभु इस घर पर मुझे लाया। और बच्चा बहुत ऊंची स्वर से चिल्लाते रोने लगा। तो ये मैं पूछा क्या हो गया बच्चा को? उनको उतना पेट का बीमारी है। मैं हम लोग बहुत डॉक्टर लोग के पास लेके गया, लेकिन कुछ भी आश्वास नहीं मिलता है। तो मैंने बोला देखो, प्रभु ईसा मसीह सब रोगियों को चंगा किया है, सब रोगी। आप विश्वास कीजिए और प्रभु को अपनाइए। अभी वो बच्चा को आप लेके आइए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनको चंगाई होगा। हैं, चंगाई होगा क्या? कैसे? हम प्रार्थना करेगा तो वो कैसे होगा? वो प्रभु ईसा मसीह हमारे द्वारा काम करेगा। वो दौड़ के जाकर बच्चा को लेके आया, बच्चा को सामने लेके आया। बच्चा बहुत रोज जोर से रोने लगा, ऐसा रोने लगा। तो पूरा परिवार एकत्र हो गया, बच्चा बहुत रो रहे हैं। मैं बोला देखो, प्रभु यीशु सबों का ईश्वर है, उन्होंने संपूर्ण दया और प्रेम है। आप सिर्फ इतना विश्वास करो, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तुम ईश्वर ईश्वर हैं और मेरा इस बच्चा को चंगाई कीजिए। आप विश्वास करता है क्या? विश्वास करता है। तो मेरा विश्वास ये है, मरकुस का सुसमाचार का आग्र में लिखा है, विश्वासियों को एक चिन्ह होगा, विश्वासियों को प्रभु ईशान, अच्छा विश्वासों के साथ ये चिन्ह होगा, और रोगियों पर हाथ
रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होगा, वो रोगियों को ऊपर हाथ रखेगा, रोगी चंगाई होगा। कौन बोला? कौन बोला है? प्रभु यीशु बोला है। तो होगा क्या? होगा क्या? ये होगा क्या? क्यों होगा? प्रभु यीशु ने लिखा है, प्रभु यीशु ने बताया है, मैं चंगाई देने वाला नहीं है, लेकिन मैं एक विश्वासी है, मैं एक विश्वासी हूं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं ईश्वर नहीं, मैं चंगाई देने वाला नहीं, लेकिन मैं एक विश्वासी हूं। मैं एक विश्वासी होने के नाते पर लिखा है कि विश्वास करने वालों से चमत्कार दिखाया करेगा, वो मेरे नाम लेकर अवधूतों को निकालेगा और सांप को उठा लेगा, यदि भी और रोगियों पर हाथ रखेगा तो रोगी चंगाई होगा। मैंने ये वचन पर विश्वास किया और मैं हे प्रभु अभी इस बच्चा को चंगाई कर दिए करके मैं बच्चा को ऊपर हाथ रखा तो बच्चा चुप होने लगा, एकदम चुप हो गया और उनका चेहरा बदल गया। उनका चेहरा बहुत हंसने लगा। अब सोचिए एक बच्चा ऐसा रोते था, उस वक्त मैं उसका उसमें हाथ लगाकर प्रभु यीशु इन्हें चंगाई दीजिए, हे प्रभु इन्हें चंगाई दीजिए करके मैं हाथ रखा तो तुरंत उसका रोना बंद हो गया और उसका चेहरा मुस्कुराते रहा और इनका माँ बाप आपस में देखने लगा, अरे ये इतना तुरंत चमत्कार कैसे बना, मुझे भी अजीब हो गया। और मुझे उस समय उतना विश्वास नहीं था, मैं सोचा अभी मैं जाने के बाद वो फिर बीमार हो जाएगा तो क्या होगा इसलिए मैंने बोला देखो शायद फिर उसको बीमारी हो सकता है, तो मैं कल फिर आएंगे और एक बार प्रार्थना करेगा। जैसे कि हम दवाई लेता तो एक ही दवाई लेने से नहीं होता है ना, दो तीन दिन दवाई लेना पड़ता है ना। हाँ ठीक है आप आइए मेरा विश्वास कम ही था, लेकिन दूसरे दिन मैं उधर पहुंचा तब एक 50-60 लोगों को इकट्ठा किया है, सबों को बीमारी है, बोला ही आप इन लोग सबको प्रार्थना कीजिए, वो बचाई तो चंगाई हो गया। देखो तो मैंने प्रभु को धन्यवाद देते हुए उन सबों के लिए प्रार्थना किया। सो हमारे प्रचार का काम पर ये चंगाई एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने सुसमाचार में जहां पर भी प्रभु सुसमाचार घोषणा किया सब जगह पर चंगाई किया है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि एक बार एक सिस्टर एक नन सिस्टर वो उसका पैर में बहुत दर्द था, ओ मैं वरम प्रसाद के सामने बैठकर प्रार्थना करता था चैपल में गिरजा में, तो उन्होंने आया तो मैंने बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, ओ नहीं ये जरूरी नहीं है, तो मेरा जीवन ऐसा है मैं लंगड़ा करके जाएगा ऐसा। लेकिन प्रभु बोला तुम
उसका पैर पर हाथ लगा के प्रार्थना करो, मैं उसको चंगाई करूँगा। तो मैं पूछा, प्रभु उनका क्या है बीमारी? उनका एक पैर छोटा है, उनका एक पैर छोटा है, इसलिए उनके सारा भार दूसरा पैर पर आता है। तो मैंने बोला, देखो आपका एक पैर छोटा है, वो छोटा पैर को अभी ईसा प्रभु लंबा करने वाला है। हे, मुझे ये विश्वास नहीं होता है। देखो मैं विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि प्रभु मुझसे अभी कहा है। तो जब हम ऐसा चमत्कार करने वाला काम हमारे द्वारा होने के लिए एक चीज़ होना चाहिए, प्रभु के साथ हमेशा बातचीत करना चाहिए। प्रभु ये आप चाहता है क्या? आप करेगा क्या? प्रभु जब बोलेगा तभी करना चाहिए। तब एक सिस्टर को मैंने ऐसा बैठाया और प्रभु ने कहा, तुम उनका पैर पर हाथ लगाओ। हाथ लगाने के पहले उसका पैर ऐसा खींचने लगा और उसका पूरा दर्द होने लगा। ओ दर्द हो रहा है, दर्द होने दो, है ना, दो पैर लंबा हो रहा है इसलिए दर्द हो रहा। और मैंने कहा, ईसा मसीह पर नाम पर इस हड्डी मसल पूरा लंबा हो जाओ। लंबाई हो गया। जो सिस्टर लंगड़ा होके चलती थी और वो ऐसा खड़े होके जा रहा है, सब लोग उनको देखा तो अचंभ भी हो गया। तो सुसमाचार अपने आप आ गया। हम कैसे हो गए? प्रभु ने, प्रभु मुझे चंगाई दिया। मेरा ये अनुभव है, आप लोग या कि हम लोग जो साधारण लोगों के द्वारा प्रभु बहुत चमत्कार करने वाला है। ये देखो, ये मत्ती 4 सुसमाचार है। मत्ती सुसमाचार लिखा हुआ 4, मत्ती, मार्कुस, लूक, योहन, उसमें मत्ती और योहन प्रभु यीशु का अपोसल था, लेकिन मार्कुस और लूक हमारे जैसा साधारण लोग था। समझ में आया? तो क्यों सुसमाचार का लिखने पर भी इस प्रभु ने अपोस्टल के साथ हम साधारण विश्वासियों को खड़ा किया है? इसलिए कि सुसमाचार का घोषणा में साधारण विश्वासियों को बहुत काम करना है। और मार्कुस आग्र में बिशप बन गया, लेकिन लूकस साधारण आदमी, लेकिन वो डॉक्टर था और चित्रकार था। उनका लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र। तो हमें ये सोचना चाहिए, ये यकीन, ये विश्वास होना चाहिए, हम साधारण लोगों के द्वारा प्रभु यीशु बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि यही एक ही बपतिस्मा है, पोप फ्रांसिस हो और धर्माध्यक्ष हो, पल्ली पुरोहित हो, हम साधारण व्यक्ति हो, सबों को एक ही बपतिस्मा है। वो पापा पोप होने के नाते वो उनका ऑफिस है, लेकिन ईश्वर का साथ संबंध में संस्कार के द्वारा हम सबों एक ही बपतिस्मा ग्रहण किया है। ये हम सब लोग विश्वास करना चाहिए। बपतिस्मा द्वारा
त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर है और हमें तीन अभिषेक दिया है, तीन अभिषेक, पुरोहिताइक अभिषेक, प्रवाचक का अभिषेक और राजा का अभिषेक। ये तीन अभिषेक हमारे अंदर पौध्या है, ये ईश्वर का काम करने के लिए है। इसलिए हम रोज हमारा अभिषेक बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। रोज सुबह सुबह उठकर रोज कुछ देरी पवित्र आत्मा से भरने के लिए, सब वरदानों से भरने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा। यानी कि आप सबों पर वो वरदान अभी अभी है ऑलरेडी है। एक दिन ऐसा हुआ जहाँ पर एक पल्ली में बिंदी उपवास करता था, तब वहाँ का पल्ली पुरोहित ने कहा यहाँ पर एक घर में एक अर्धांग रोगी है, 9 साल से वो लेटे है, अब आएगा उनके प्रार्थना करने के लिए। हम बोले जरूर आएगा, तो मैं और फादर के साथ गया, तो वो बहन जी बोलने लगा कहाँ ईश्वर, कोई ईश्वर नहीं है, मैं 9 साल से ऐसे पढ़ा है, मेरा माँ बाप को ईश्वर ने लेके गया, एक ही महीना में, कौन है ईश्वर, तुम बोलता है प्रेम है, क्यों मेरा माँ बाप को लेके गया, बहुत गुस्सा है ईश्वर के साथ। तो मैंने कहा देखो बेटी, तुम्हारा माँ बाप स्वर्ग में ईश्वर के पास है, हैं? ईश्वर के पास है, हाँ सचमुच, हाँ, और कल मैं भी और तुम हम सब जाएगा। इसलिए सो हमारा विश्वास ये होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मर गया तो उतना परेशान नहीं होना चाहिए, विश्वास के साथ हम अपना चाहिए प्रभु के पास है, तब तो हमको शक्ति मिलेगा। इनको वो समझदारी नहीं मिला, इसलिए ईश्वर को साथ गुस्सा है। तो मैं उनको समझाया प्रभु प्रेम है, प्यार है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है, हमारा माँ बाप जो मरा है वो ईश्वर के पास है, इसलिए आप जो कुछ भी दुख है वो दुख से मुक्ति होना चाहिए, अगर आपका अंदर दुख भरा रहता तो हमारा शरीर रोग हो जाता है। हमारे अंदर में बहुत सारा रोगों का कारण यही है कि दुख और परेशानी हमारे हृदय पर भरा है, और दुख और परेशानियां हमारे हृदय पर भरने से हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा देखिए आपके माँ बाप स्वर्ग में ईश्वर के साथ है सोचते हुए थोड़ा स्तुति कीजिए, तब उन्होंने स्तुति करने लगा, स्तुति करते करते देखता है कि उसका दोनों हाथ उड़ने लगा, वो उड़ा नहीं पा रहा था लेकिन अभी हाथ उड़ाने लगा,
मैं उस वक्त मेरा हाथ उनको दे दिया तो ये उठ खड़े होकर उधर चलने लगा। हालेलुया। तो हमारी विलेज में ऐसा लोग होगा, उन लोगों के पास जाकर सुसमाचार बताना चाहिए। सुसमाचार क्या है? प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुमको तुम्हारा रोगों को तुम्हारा पापों को अपनाया, क्रूस पर ले लिया और हमें वो सबसे मुक्ति दिया है। ये विश्वास होना चाहिए, ये घोषणा, वही है सुसमाचार का घोषणा। सुसमाचार क्या है? ईश्वर तुम्हें प्यार करता है, ईश्वर तुम्हें अपनाया है, तुम पापी होते हुए ईश्वर तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा पापों के लिए ईश्वर ने अपना जीवन बलिदान किया है, इसीलिए उन्होंने सब कुछ कर चुका है, ये विश्वास करना चाहिए। आइए हम लोग उठ खड़े होकर थोड़ा स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए। ये सब मन में विचार रखते हुए ईश्वर को स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। अभी आप मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, तू मेरा मुक्ति दादा है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का ज्योति है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का मार्ग है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का सत्य है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का चरवाहा है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का रोटी है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का वजन है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का पालनहार है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का चंगाई है, हे प्रभु यीशु, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठिए, अभी हम लोग